अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज माय चैनल अली बट व्लॉग। सो वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि आज शैगीज पर, जो कि मेरा रेस्टोरेंट है, वहां पर आ रही है आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, द वन एंड द ओनली सबा कमर। तो सबा कमर से आपको मिलवाते हैं, मैं खुद भी मिलता हूं, मैं पहले मिला हूं, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है पाकिस्तान की। तो खैर, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर। अच्छा, तो गाइस आज बहुत खूबसूरत सा मौसम है, बारिश हो चुकी है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबा कमर और हम लोग ऊपर ही बैठेंगे, ठीक है। तो हम ऊपर की तैयारी करवा रहे हैं, क्यों, दुनिया को पता है जब मौसम बेशक प्यारा हो जाए, लेकिन होटलिंग के अंदर इश्यू होता है, रूफ टॉप पर बैठने का, पानी होता है, ब्ला ब्ला सो ऑन। तो अब उसकी तैयारी करवा रहे हैं, थोड़ी देर में सबा कमर पहुँचने वाली है, एंट्रेंस से लेकर अच्छी तक दिखाएंगे सबा कमर का। आज थोड़ा सा इंटरव्यू टाइम, मतलब पूछेंगे कैसा लगा खाना चाना ये वो, और एक इंट्रो हमारा एक सबा से अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो बन गया है, दो टी भी बन गई है, तो हम कुछ पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे। तो वेट करते हैं सबा के आने का। अच्छा, तो गाइस मैं तैयार हो गया हूँ, सबा कमर पहुँचने वाली है, अब आपको थोड़ी ही देर में, ठीक 10 मिनट में आपको सबा कमर एंटर होती नज़र आएगी ब्लॉग के अंदर, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि उसे वेन्यू तो पसंद आया हुआ है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन खैर है बारिश की। अगर सबा कमर के लिए हमने ऊपर भी फिटिंग लगवाई हुई है और नीचे भी लगवाई है, जिधर मतलब अप टू हर कि जब वो बैठना चाहती है, तो सिर्फ 5 मिनट और सबा कमर भी सीखे। अच्छा, तो गाइस ये हमारा एक छोटा पार्टी हॉल है, ये हम लोगों ने बुक किया सबा के लिए, तो सबा यहाँ पर बैठेगी, ठीक है, और उसके बाद सबा ऊपर जाएगी, मतलब उसे रूम का पसंद है, उसे मतलब सबा मैंने बुक किया, बाकी फैमिली वगैरह देख लो घुमा दो, ठीक है, और बैठी हुई इस वजह से। अच्छा, तो गाइस सबा कमर आ रही है, उससे पहले हमारे दो बड़े प्यारे दोस्त आए हैं, प्लीज़ योर नाम। हाय, हेलो, पहली दफ़ा आए हैं ये, कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, थोड़ी देर पहले आए हैं पहली दफ़ा। अच्छा खैर, तो अभी भी हमारे साथ वेलकम करेंगे मिस सबा को, तो हम वेट कर रहे हैं सबा का आगे, तो बाय। सबा कमर पहुंच गई है, तो हम शेफ साहब को लेके जा रहे हैं, हमारे हेड शेफ हैं, वो जाके उन्हें डील करेंगे उन्होंने क्या खाना क्या नहीं खाना। आओ चलो, पी गाइस, योर फेवरेट एंड योर फेवरेट सबा कमर। मैडम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, सेकंड टाइम आप यहां पर आई हैं, और थैंक यू सो मच, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस उस्मान जी, आपके हाथ में इतना टेस्ट है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, आई लव द फूड, सीरियसली अमेजिंग। मैं तो आती रहूंगी, दिस इज माय सेकंड रूम नाउ, राइट, और मैं कवाली भी कराते हैं, आज बारिश हुई थी वरना मैं कवाली तो जरूर सुनती, मैडम के लिए नेक्स्ट टाइम कवाली होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ब्लॉग होगा इंशाल्लाह। अब उस्मान डील करेंगे मैडम को, मैडम ने क्या खाना क्या नहीं खाना वो उस्मान बताएंगे। सबसे अच्छा क्या है? अच्छा, हमने जो आपके लिए प्लान किया, आई ट्राइड लास्ट टाइम जो किया चिकन स्टिक का, बहुत अच्छा था, बीफ स्टिक स्टफ था चीज के साथ, वो ब्लैक पेपर सॉस के साथ, आपने मेरे हीरो को दिया होगा, ओके, आपको फिर चिकन स्टिक आया, याद है, अच्छा, आई एम अ बिग फूडी, इसलिए खाने के मामले में सबसे याद है, स्टेक है हमारे पास, उसका जो कैरम सॉस भी है, काम करना है,
कोई बात नहीं, एक चीट डे चलता है, एक चीट डे चलता है, एक चीट डे आजकल रोज चीट डे होता है, रोज चीट डे मीठा वर्कआउट में कवर, मैं रोज कोशिश करती हूँ उस्मान जी की आज ना आज से मीठा नहीं खाना, और ना घर में टोकरा पड़ा हुआ है मिशी की शादी के बाद जो पोस्ट निकाह मिठाई आपके घर में आ गई, तो मैं रोज जाती हूँ टोकरे से ना एक आज हम आपको मीठा नहीं खिलाएंगे, आज हम आपको सिर्फ स्टिक्स खिलाएंगे, बटर हांडी रेशमी कबाब और साथ वर्ल्ड ऑफ सैलेड बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसा लगा आपको मां? बहुत अच्छा, मैं फैन हो गई आपकी और आपके खाने की, मक्खनी की दाल मखनी, मैंने कहा दिल्ली में दाल मखनी ट्राई की थी, यू नो हाउ टू कुक दाल मखनी, मुझे पाकिस्तान में दाल मखनी मिली नहीं है, बिकॉज़ एक्चुअली मैं हम लोग प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के साथ ट्राई करते हैं, क्या टेस्ट है उसका, यस आई नो इट्स प्रॉपर, वो फिश क्रीम के साथ बनाते हैं हम लोग, एक्चुअली मिल्क पैक क्रीम यूज करते हैं, सो फ्लेवर नहीं आता, सेकंड दाल को ओवरनाइट कुक करते हैं, आई थिंक उसको फिर मैश करते हैं, हम लोग ब्लेंड कर देते हैं। मैंने कराची में कितनी जगह से दाल मखनी ऑर्डर की है, मुझे वो टेस्ट नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम आया तो दाल मखनी की डिश बहुत अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आ रही सारा में जैसे आवाज नहीं, मम्मी को लेकर आओगी, मेरी मम्मी बिग फूडी है, ब्लॉग इज कम्प्लीट, तो सबा कमर जा चुकी है और बाकी आप ब्लॉग में बताएं आपको ब्लॉग कैसा लगा, रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे थे सबा कमर के, और बाकी स्टे ट्यून्ड अगले ब्लॉग के लिए, जोकर आ गया मेरे पीछे, टाटा, थैंक यू सो मच नवीद भाई की वजह से पहले नवीद भाई की वजह से पहले नुमान रियाज साहब आए हैं, दूसरी दफ़ा सबा कमर आई है, थैंक यू।